अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको खुशामदीद कहता हूँ मियाँ जी ऑफिशियल चैनल में। इस चैनल में आपको व्लॉग्स दिखाए जाते हैं और साथ आपको जो है एजुकेशनल वीडियोस, टेस्ट एंड इंटरव्यूज़ के हवाले से मैंने एक प्लेलिस्ट शुरू कर दी है, जिसमें आपको तमाम जो है टेक्निकल टेस्ट हों या आपकी जो वर्चुअल टेस्ट हों, जो भी टेस्ट, आपके तमाम टेस्ट जो हैं इंडस्ट्रीज़ के, आपको सोल्व टेस्ट यहाँ कैसे करते हैं उसको, और इंटरव्यू स्किल्स भी आपको यहाँ पे, प्रेजेंटेशन स्किल्स आपको तमाम सिखाई जाएंगी। तो मैंने एक टेस्ट इंटरव्यू के नाम से एक प्लेलिस्ट शुरू कर दी है, उसमें तमाम चीज़ें आपको बताई जाएंगी। ये जो टेस्ट है पैकेजेस ग्रुप का टेस्ट है, ग्रुप मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम 2022। ये एक जो आपका असेसमेंट होगी इसमें, ठीक है, सोल असेसमेंट सिखाई जाएगी। तो अपना जो टेस्ट स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और कमेंट भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। तो इसको मैं स्टार्ट करता हूँ। मुझे ईमेल आ चुका ग्रुप मैनेजमेंट ट्रेनिंग 2022 की ईमेल जो है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आपका जो है वो टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्लिक करते हैं इसको, मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम पैकेजेस ग्रुप का है, तो क्लिक करेंगे तो हमारी नेक्स्ट जो है खुल जाएगी, लिंक खुल जाएगा। तो यहाँ मैंने इसको लॉगिन किया है, ये rosy.pk से आप इसको अप्लाई भी कर सकते हैं। तो अब मैं सबमिट करता हूँ, तो एक नेक्स्ट विंडो खुल चुकी है। एमटी प्रोग्राम 2022 कैंडिडेट्स कैन अटेम्प्ट द टेस्ट वंस इन 6 मंथ टेन्योर्स। एवरी सेक्शन एंड एवरी क्वेश्चन इज डाउन टाइम बाउंड्री। ये लॉजिकल रीजनिंग टेस्ट है, वर्बल रीजनिंग और न्यूमेरिकल रीजनिंग। ये कोई भी एमटी प्रोग्राम हो, फाइनेंशियल हवाले से हो, फाइनेंस का या टेक्निकल इंजीनियरिंग हो या BBA के बारे में हो, तो ये सब जो टेस्ट सेम होता है MT प्रोग्राम पैकेजेस ग्रुप का, तो हर दफ़ा टेस्ट यही आता है। तो इसकी लॉजिकल रीजनिंग हम इसको नेक्स्ट करते हैं, स्टार्ट टेस्ट रहीम। तो पहला लॉजिकल रीजनिंग हमारा टेस्ट होगा, सेक्शन ए है। इसमें हमारे पास देखते हैं, स्टार्ट करते हैं, टाइम हमारे पास लिमिटेड टाइम है, 5 मिनट्स ओनली जो हमारे पास हैं, इसको हम स्टार्ट करते हैं टेस्ट। तो पहला जो है, आइडेंटिफाई द मिसिंग आइटम्स दैट कंप्लीट द पैटर्न। आप देखें कि पैटर्न फर्स्ट वाला जो है वो कर रहा फ्लावर, सेकंड वाला भी नहीं कर रहा, थर्ड वाला सिर्फ वन फ्लावर तो नहीं आ सकता इसमें, कम से कम 6 फ्लावर तो आएंगे इसमें। तो हम ये पहला जो ऑप्शन है वो 6 राइट होगा, तो आप नीचे जाएंगे और 6 ऑप्शन पे आप क्लिक करें, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं। अब आप इसमें देखें कि इसमें हमारे पास 6 ऑप्शन है, देखें कौन सा ऑप्शन मैच करता है इसमें। ये वाला तो नहीं मैच करेगा, आप जा रहे हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस आ रही हैं, तो थर्ड वाला आपका ही जाएगा, ठीक है। थर्ड वाला ऑप्शन आपका राइट है, तो आप इसको नेक्स्ट पे जाएंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब आपने इसमें मिक्सिंग पैटर्न देखना है कौन सा होगा। आप ये थर्ड आप देखें तो नहीं होगा, क्योंकि साइड पे वाइड होना चाहिए, तो 6 इसका राइट होगा, ठीक है। 6 पे हम चलते हैं, प्रेस करें और नेक्स्ट पे हम चलते हैं। नेक्स्ट हमने देखना है मिसिंग आइटम्स देखनी है इसमें हमने, तो इसमें सेकंड वाला जो हमारा होगा राइट होगा, सेकंड पे जाते हैं ऑप्शन पे, ठीक है। ये बहुत आसान क्वेश्चंस हैं, ये आर्मी लेवल पे भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टेक ये जो हमारे रीजनिंग वर्बल रीजनिंग होती है। नेक्स्ट हम चलते हैं ऑप्शन पे, आइडेंटिफाई द मिस, ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, तो इसमें तो आपको ध्यान लगाना पड़ेगा, तो थर्ड इज द राइट ऑप्शन, तो थर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट पे चलें, ठीक है। ये एमटी प्रोग्राम है, तो आप मेरे चैनल को साथ साथ सब्सक्राइब भी कर लीजिए, कि आपको अच्छी अच्छी वीडियोज जो हैं ये टेस्ट के हवाले से, इंटरव्यू के हवाले से मिलती रहें। तो 6 ऑप्शन राइट नहीं होगा, इसका ऑप्शन होगा, देखें कि ये ब्लैक है, तो नीचे भी आप डब्बा देखेंगे स्केयर में, लेकिन वो ब्लैक में होगा, तो 4 ऑप्शन आपका राइट होगा, ठीक है। 4 ऑप्शन पर आप जाएँ, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पर आपने देखना, ये थोड़ा ट्रिकी कल है, तो आपको ध्यान से करना पड़ेगा इसको। अब आप ध्यान से देखें, पहले ये वाइट था, फिर हाफ हुआ, फिर वो पूरा हो गया। अब देखें, ये सिर्फ ये पूरा है, फिर 2 हुए, एक ये वाला जो कलर है फुल होगा, फर्स्ट ऑप्शन राइट, फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि देखें ये पूरा ब्लैक है, ठीक है। इसका ऑप्शन कौन सा राइट होगा, फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं ज़्यादा क्या। आप भी अपना माइंड लगाएं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं तो क्या इसका ऑप्शन होगा। मेरे देखें, पहले हमारा क्लियर था, ठीक है, फिर बाउंड्री हुई एग्जिस्ट की, फिर अब क्लियर आ गया, तो मेरे लिहाज से हम फर्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं, नेक्स्ट करते हैं।
नेक्स्ट आप देखें, ये ध्यान से देखिएगा, पहले ये सर्कल, पहले देखें ये तीनों चीजें अलहदा थी, फिर साथ जुड़ी, फिर अंदर आ गई, ठीक है। अब ये तीनों पहले ये साथ जुड़ी, फिर अब अंदर आ जाएंगी, ठीक है, स्केयर्स में आ जाएंगे, तो सेवन ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अभी मिसिंग एट जी बहुत ही कंफ्यूजन है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा इसे, इसमें देखें नहीं, नहीं पैटर्न आप देखेंगे, नहीं फोर नहीं इसमें होगा, पैटर्न आप देखेंगे कि ये देखें, एक यहाँ इस साइड से, एक यहाँ से कम हुआ, फिर कहाँ से कम हुआ, दरमियान में से कम हुआ है, मतलब ऐसे चल रहा है, ऐसे यहाँ से कम हुआ, फिर यहाँ से कम हुआ, आप देखें यहाँ से कम हुआ, फिर ये कम हो गया, फिर अब दरमियान में से कम होगा, दरमियान में से कम, अब देखें एक यहाँ से कम हुआ, फिर यहाँ से कम होगा, ये देखें एक का कम हो गया यहाँ पर, अब कहाँ कम होगा, फिर ये कम होगा, ये कम हो गए, वन आ जाएगा, मेरा समझ आ गई होगी, वन इसका ऑप्शन राइट है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, टेन ऑप्शन है, वेरी क्रिटिकल, ध्यान से देखिएगा इसे। अब देखें पहले ये एक था, फिर दो हुए, फिर अब मिल जाएंगे, फिर क्या करेंगे, मिल जाएंगे, अब ध्यान से देखें, मिल जाएंगे, ऑप्शन कौन सा राइट है इसमें, देखें ध्यान से देखना पड़ेगा इसमें, थोड़ा थोड़ा क्रिटिकल ऑप्शन है ये, ध्यान से मैं सेकंड ऑप्शन उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी, नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मुझे। तो इसका हम ऑप्शन राइट जाते हैं, सेकंड ऑप्शन राइट पे जाते हैं, ठीक है। तो हमारे ये कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है, हमने ये सेवन सेकंड पहले ही हमने कर लिए सेक्शन है। अब सेक्शन बी की तरफ आऊँ तो लॉजिकल रीजनिंग ये भी वही है, सेक्शन बी है, सेवन मिले हैं इसके लिए, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं ध्यान से, बड़ा आसान सा है ये। अब देखें ये सर्कल, फिर अब ये देखें दरमियान वाली, दरमियान वाली नहीं, दरमियान वाली चीज़ आएगी, देखें ये पहले सर्कल था, ये पूरा आ गया, अब ये चीज़ इधर नहीं आ रही, देखो सर्कल ये, ये सर्कल ये, ये अब सर्कल, अब ये नुकता आ गया, ये फूल आ गया, अब दरमियान वाला क्वेश्चन रह गया, दरमियान वाला क्वेश्चन कहाँ पे आ रहा है, थर्ड पे आ रहा है, दरमियान वाला क्वेश्चन थर्ड पे आ रहा है, थर्ड पे हम चलते हैं। थर्ड पे चलते हैं, ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट करते हैं। अब इसमें देखें, अब इसमें हमारे पास राइट ऑप्शन कौन सा आएगा, सर अब स्केयर नहीं हुआ, स्केयर आना है, स्केयर आएगा और सेवन, बिल्कुल राइट, स्केयर सेवन एंड सेवन ऑप्शन राइट आएगा, सेवन ऑप्शन क्लिक करें, सेवन ऑप्शन की तरफ, नेक्स्ट पे चलते हैं। ये देखें बड़ा क्रिटिकल है, ध्यान से देखना पड़ेगा आपको, ये आपको यही साइन, साइन आपका साइन सेम है, बिल्कुल हम एट ऑप्शन की तरफ जाते हैं, एट ऑप्शन राइट है, एट ऑप्शन पे चलते हैं हम, नेक्स्ट चलते हैं हम। अब देखें ये भी बहुत आसान है, डब्बा आ गया है, फूल रह गया है, फूल रह गया मतलब ये पीछे बाउंड्री सेम होनी चाहिए, बाउंड्री सेम, बाउंड्री सेम होनी चाहिए, देखें ये बाउंड्री सेम नहीं है, ये बाउंड्री सेम है, ऑप्शन इज अ राइट ऑप्शन। ये हमारे रीजनिंग क्वेश्चन थे, वर्बल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन है ये हमारे। अब आप देखें कि अब इसमें जो है प्लस का साइन रह गया, डब्बा हो गया, स्केयर हो गया, अब सर्कल रह गया, फाइव इज द राइट ऑप्शन, फाइव ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ये आसान क्वेश्चन, ये लॉजिकल रीजनिंग आपकी चेक की जाती है कि कितनी आप जो है अटेंटिव हैं। ये देखें आपका ये जो है, ये जो जो लाइंस वाला आपका रह गया, सर्कल हो गया, आपका स्केयर रह गया, स्केयर नथिंग नथिंग, स्केयर स्केयर आपका रह गया, तो हो गया बाउंड्री, हो गई स्केयर, फोर फोर इज राइट। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब ये मिसिंग आइटम्स थी, मिसिंग आइटम्स में हम देखते हैं क्वेश्चंस को। अब आपका ये भी हो गया, ये लाइंस वाला रह गया, लाइंस वाला ऑप्शन रह गया, ठीक है, और एक लाइंस वाला ऑप्शन रह गया, और आपका अब देखें ये भी होगी साइड, ये प्लस वाला साइन भी होगा, ये स्ट्रेट आपका रह गया, स्ट्रेट तो वन बनता है, फिर वन इज अ राइट ऑप्शन। ये अब ये भी हो गया है, सर्कल रह गया आपका,
सर्कल और फूल, सर्कल और फ्लावर, सर्कल और फ्लावर सेकंड इज द सेकंड राइट ऑप्शन। ये बड़ा ट्रिकी कर रहा है। अब ये देखें, यहाँ पे लाइंस दो में थी, ठीक है, एक खाली छुरा हुआ है, दो लाइंस मतलब यहाँ पे क्या आएगा, नीचे लाइन लगी हुई होगी, क्योंकि हर में एक एक लाइन नहीं है, एक इस रो में एक लाइन नहीं, इस रो में लाइन, इसमें लाइन नहीं है, ए मतलब लाइन वाला आएगा। अब देखें इन सब में लाइन नहीं है, तो एट इज द राइट ऑप्शन। अब हमने सेक्शन सॉल्व करना है, इसको स्टार्ट करते हैं। सेक्शन सी लॉजिकल रीजनिंग है, तो स्टार्ट करते हैं हम इसको। फर्स्ट में आप देखें तो आपका पैटर्न जो बनता है वो एट पैटर्न इज अ राइट ऑप्शन। एट पैटर्न आपका राइट बनेगा, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस हैं, आप इसको जो है स्क्रीनशॉट लेके भी आप देख सकती हैं, ठीक है। एट इज अ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। देखें ये आइटम्स जो पैटर्न कौन सा बन रहा है, पैटर्न बन रहा है इसमें आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, लेकिन मैं आपको बताता हूँ सेकंड पैटर्न बन रहा है। अगर ये सही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। सेकंड इज राइट ऑप्शन, तो सेकंड को हम टिक करते हैं। देन नेक्स्ट ऑप्शन पे, तो मिसिंग आइटम इसमें देखेंगे हम, मिसिंग आइटम कौन सी है इसमें। तो इसमें प्लस होगा, प्लस के बाद सर्कल होगा, तो प्लस इज अ राइट ऑप्शन। चलें अब हम नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ जाते हैं। सर्कल होगा, तो लाइंस हो चुकी हैं, सर्कल है, देन नेक्स्ट आपका ऑप्शन राइट होना चाहिए। आप खुद मुझे बताएं जरा कमेंट सेक्शन में, मुझे पता चले आपको समझ आ रही है इन चीजों की। तो ऑप्शन राइट ऑप्शन। नेक्स्ट पे चलते हैं। ध्यान से देखिएगा इस ऑप्शन को आप। इसका जो सेकंड ऑप्शन राइट है, तो सेकंड पे क्लिक करें, नेक्स्ट पे चलें। सेकंड इज अ करेक्ट ऑप्शन। देन अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अब इसमें जो है ट्रिकल क्वेश्चन है, या आप उसको स्क्रीनशॉट लें, मुझे बताएं इसका आंसर क्या हो सकता है। मेरे मेरे ख्याल से सेवन जो ऑप्शन है वो राइट है, तो सेवन पे क्लिक करता हूँ। आप कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताएं साथ साथ, सेवन इज़ राइट ऑप्शन। लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन सी है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको टेक्निकल टेस्ट इंटरव्यूज़ या आपको लॉजिकल रीजनिंग या इंटरव्यूज़ के हवाले से आपको प्रेजेंटेशन स्किल्स तमाम इस आपको प्लेस लिस्ट में मिलेगी। टेस्ट एंड इंटरव्यू ये सेक्शन है, इसमें तमाम वीडियोस आपको मिल सकती हैं। आप मेरे मियाँ जी ऑफिशियल चैनल पर जाएँ और तमाम वीडियोज़ इसमें आपको मिल जाएंगी। तो ये इसका सेवन जो है वो राइट ऑप्शन देखते हैं। सर्कल है, टू सर्कल, ठीक है, और साथ ऊपर प्लस का साइन आएगा, सर्कल प्लस वन ऑप्शन इज अ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट पे चलते हैं। मिसिंग आइटम्स है, मिसिंग आइटम में मुझे ये सिक्स ऑप्शन राइट लग रहा है। सिक्स ऑप्शन मैं क्लिक कर रहा हूँ और मैं सिक्स ऑप्शन की तरफ जा रहा हूँ। नाइन ऑप्शन देखें इसमें आपको कौन सा करेक्ट लग रहा है, क्योंकि काफी मुश्किल लग रहा है मुझे ये तो। मेरे हवाले से टू ऑप्शन राइट है, आप मुझे बताइएगा। टू ऑप्शन, थ्री थ्री ऑप्शन, सेवन भी नहीं हो सकता। समझ नहीं आ रही, लेकिन मैं थ्री ऑप्शन इसका लगा रहा हूं। मिसिंग आइटम्स 10 इसका है, फाइव ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। आप मुझे बताएंगे भी कमेंट सेक्शन में, फाइव ऑप्शन राइट है इसका। अब हमारा सेक्शन ए भी हो चुका है, सेक्शन बी भी, सेक्शन सी भी। पैकेजेस ग्रुप का ये टेस्ट है, rosy.pk वेबसाइट से, एमटी प्रोग्राम 2020। नेक्स्ट वर्बल सेक्शन है, वर्बल सेक्शन को स्टार्ट करते हैं। टाइम हमारे पास 5 मिनट, 5 मिनट एंड 30 सेकेंड हमें टाइम दिया गया है, तो इसमें हम देखते हैं।
स्टार्ट करते हैं वर्बल सेक्शन को। पहला है जी, प्लीज रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड डिसाइड वेदर द कंक्लूजन फॉलोज और डज नॉट। इन अटेम्प्ट टू कट ऑर्गेनाइजेशन डिस्पेंडेड आईटी डिपार्टमेंट्स एंड आउटसोर्स इट्स आईटी फंक्शन टू अ बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग कंपनी। इन डूइंग सो द कंपनी हैज मैनेज टू सेव 20% ऑन इट्स आईटी फंक्शन एक्सपेंडिचर्स। सो आउटसोर्सिंग फंक्शन टू बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग कंपनीज विल कट एक्सपेंसिव। सो आंसर इज करेक्ट इज कंक्लूजन डज नॉट फॉलो। डज नॉट फॉलो तो नेक्स्ट ऑप्शन पे हम जा रहे हैं। कंक्लूजन डज नॉट फॉलो सेकंड ऑप्शन में सिर्फ जाते हैं। इसमें आप रीड करें इसको ऑप्शन को। इसका आंसर होगा कंक्लूजन फॉलोज। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन 3 हमारा है, इसको आप रीड करें। कंक्लूजन इसका जो फॉलो ही करता है। आंसर इज राइट, ए ऑप्शन इज राइट। देन नेक्स्ट 4 पे चलते हैं। 4 ऑप्शन को आप पढ़ें। इसमें फ्रेंच एंड बेल्जियन प्रोडक्ट्स आर मोर एक्सपेंसिव। तो इसको कंक्लूजन फॉलो करेगा, मतलब लोग चीजें खरीद नहीं करेंगे, बाय नहीं करेंगे, तो कंक्लूजन डज नॉट फॉलो। एंड नेक्स्ट ऑप्शन 5 ऑप्शन पे चलते हैं हम। 5 क्वेश्चंस पे चलते हैं। इसमें उसने कहा मस्ट इज बेटर होगा टेस्ट, तो यस कंक्लूजन फॉलो कर रहा है, लोग उसको बाय करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट में आप देखें कि इट इज पॉसिबल दैट फेसबुक विल ड्रॉप इन वैल्यू आफ्टर मई 2012, तो कंक्लूजन फॉलोस कर। नेक्स्ट ऑप्शन पे हम चलते हैं। अब हमारा न्यूमेरिकल रीजनिंग क्वेश्चन है। द न्यूमेरिकल रीजनिंग टेस्ट विल कंसिस्ट ऑफ 4 क्वेश्चंस एंड यू कैन यूज बोथ कैलकुलेटर्स एंड रफ पेपर्स टू वर्क ऑन द क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं, 7 मिनट्स हैं हमारे पास। अब इसमें प्लीज आंसर 104, इसको आप पढ़ें अच्छे तरीके से, इसको कैलकुलेटर की हेल्प से भी हम कर सकते हैं। क्वेश्चन 1 है इसका। इसमें क्या कहा जा रहा है कि लीगल सेक्टर्स स्पेंडिंग ऑन आईटी हार्डवेयर आईटी सॉफ्टवेयर्स ईयर्स 1 ईयर 2 मार्केट फिट लिमिटेड दिया गया, प्योर गैप मार्केट है। इसमें आप देखें कि अज्यूमिंग दिस इज केस द टोटल लीगल सेक्टर स्पेंडिंग ईयर 6 ऑन दीज आईटी 3 एरियाज कंबाइंड। सो ऑप्शन ई इसका 110 मिलियन राइट होगा। इसको आप सोल्व करके भी देखिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट हमारा सेकंड क्वेश्चन जो है, उसमें हमें कहा जा रहा है ध्यान से, इसका डी ऑप्शन राइट होगा। इसे आप सॉल्व करके देखें, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, डी ऑप्शन राइट है इसका। नेक्स्ट पे चलते हैं। देन इसमें जनवरी सेल्स टर्नओवर और प्रॉफिट आपको दिया गया है। इफ टू कंपनीज हैं आईकेई कंप्यूटर्स एम्प्लॉयड 80 परमानेंट January who were on the same salary, what would be have been the effect on labor cost if they had replaced 20 permanent employees with their interim staff each on monthly salaries of £3,000? Iska option right hoga, option D option right hoga iska, increase of 2075 euro, option। अब ये 4x4 question है, आपका ध्यान से पढ़ें। इसका ऑप्शन राइट मुझे बताएं कि क्या हो सकता है इसका ऑप्शन राइट। आपने इसमें डिफरेंस देखना है, तो डिफरेंस जो है इसमें आपका ई डिफरेंस बनता है 4 मिलियन आपका। अगर आप क्यूमुलेटेड डिफरेंस देखते हैं तो इसका ई ऑप्शन राइट होता है 14 मिलियन। देन हमारा अब लास्ट जो है वर्बल सेक्शन हो चुका है, न्यूमेरिकल रीजनिंग भी हो चुकी है, अब हम वर्बल रीजनिंग की तरफ जाते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हमारे पास 6 मिनट 30 सेकंड हैं इसको सोल्व करने के लिए। पहला है परसिस्ट इज टू इंड्योर एज रिजेक्ट इज टू डिनाई। डिनाई इज राइट, डिनाई पे क्लिक करें। नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है Which of the following word is the opposite of injure? Injure का opposite होता है cure करना। ठीक है, cure is the right option। Next पे चलते हैं। Next हमारे पास 3x3 में हमारे पास जो है
फ्लेक इज टू स्नो एज ड्रॉप इज टू रेन, ये ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चंस है, ये एक आपको स्टेटमेंट दी गई, इन द पास्ट फ्यू इयर्स द गवर्नमेंट हैज टर्न टू शॉक, इसको आप कंप्लीट रीड आउट करें इसको। वर्ड वाज कॉन्ट्रावर्सियल, तो ट्रू ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन होगा, ट्रू। नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं, फोर फाइव क्वेश्चंस पे। तो इसमें हम देखते हैं कि वही स्टेटमेंट है लेकिन एंटी स्मोकिंग एंड वाज फंडेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ, ये फॉल्स है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, इम्प्लॉय वर्किंग विद एन ऑर्गेनाइजेशन हैव अ लेजिस्लेटिव ऑब्लिगेशंस, स्टेटमेंट को रीड करें, जो द फॉलोइंग प्रोवाइड द बेस्ट समरी ऑफ द मेन पॉइंट ऑफ द पैसेज। ए इज राइट ऑप्शन, साइन आ कॉन्ट्रैक्ट स्टिपुलेटिंग हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इसको आप रीड आउट करें इसे। सेवन का आपका बी ऑप्शन राइट होगा, सेवन का बी ऑप्शन राइट, सेवन का बी ऑप्शन स्पेसिफाइंग राइट होगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट विच स्टेटमेंट डज नॉट फॉलो द पैसेज, इस पैसेज को रीड अप करना है और इसको हमें आंसर देना है। लीकेज ऑफ इंफॉर्मेशन में रिजल्ट इन पनिशमेंट। नेक्स्ट, ही क्रॉस द ब्रोकन ब्रिज एंड डैश वार्निंग इन स्पाइट ऑफ वार्निंग, नेक्स्ट ऑप्शन राइट। नेक्स्ट चलते हैं, हर थिंक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हर थिंकिंग लीन्स लीन्स टूवर्ड्स डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी आएगा टूवर्ड्स। एंटोनिम ऑफ इंपीरियल इज सेफ गार्ड, ए ऑप्शन इज राइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन 12, द बुक मैनेजमेंट प्रिंसिपल डैश क्विट इनसाइटफुल इज इनसाइटफुल आएगा, सिंगल बुक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, $2 डैश स्मॉल अमाउंट, $2 आर अ स्मॉल अमाउंट, $2 इज आएगा, इसमें आर नहीं आएगा, इज अ स्मॉल अमाउंट। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 14 क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है एमटी प्रोग्राम 2022। ये टेक्निकल, ये जो हमारे पास टेस्ट, जो ये वर्बल रीजनिंग जो भी टेस्ट है, ये सब तमाम के लिए एक ही होता है, तो आप अच्छे तरीके से इसको समझ लें। लास्ट का हमारा हैव ऑपोजिट मीनिंग करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, तो ये अब हमारा टेस्ट सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। कंग्रेचुलेशन, यू हैव सक्सेसफुल कंप्लीटेड दिस टेस्ट। तो आपका टेस्ट कंप्लीट हो चुका है, उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी इस टेस्ट की। तो ये का जो वर्बल रीजनिंग जो पैकेजेस ग्रुप में कोई भी आपकी पोस्ट आए rosie.pk पे, तो यही टेस्ट होता है। तो आप इस वीडियो को देखने का आपका बहुत शुक्रिया, आपने लास्ट तक देखा है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया। इस जो प्लेलिस्ट है इसमें तमाम वीडियोस आती रहेंगी टेस्ट के मुतालिक, ठीक है। तो इसमें इंटरव्यू स्किल्स भी आपको सिखाई जाएंगी, तो दोस्तों के साथ शेयर करें। तो बहुत बहुत शुक्रिया इसको देखने के लिए, अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी।